इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट वेडिंग फोटोग्राफी। वेडिंग फोटोग्राफी, फोटोग्राफी को छोड़ दो, वेडिंग की बात करते हैं। वेडिंग जो कि बहुत ही रोमांच एंड एक्शन से भरा हुआ मोमेंट होता है, एंड दैट मोमेंट आपका कैमरा बेस्ट होना चाहिए उस मोमेंट को कवर करने के लिए। इसलिए ये वीडियो लाए हैं जिसमें आपको 8 ऐसा कैमरा के बारे में बात करूंगा जो कि वन ऑफ द बेस्ट है अंडर 1 लाख में, जो कि बिगिनर्स टू लेकर आपको प्रोफेशनल लेवल तक का कैमरा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। गाइज, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप एंड मिस दोनों मत कीजिए, क्योंकि गाइज जितना भी कैमरा यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ वो इस बेस पे है, जिसमें आपका कैमरा टाइप, सेंसर साइज एंड टाइप, एंड गाइस वहीं पर लो लाइट परफॉर्मेंस, वेदर सीलिंग एंड बॉडी डिजाइन, वेट एंड एफपीएस, ब्रस्ट मोड शूटिंग। तो गाइस इस सारे फैक्टर्स को मैं कंसीडर करके आपके लिए बेस्ट कैमरा लाया हूं। तो सबसे पहले कैमरा की बात करें, जो कि बहुत ही बिगनर्स लेवल अगर आप शूटिंग करना चाहते हैं तो 200D Mark II वन ऑफ द बेस्ट हो जाते हैं। और वहीं एक स्टेप पर आगे बढ़ते हैं तो कैनन की ही तरफ से आपको मिल जाता है कैनन का M50 Mark II, जिसमें FPS आपको 7 FPS मिल जाता है। एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं वेडिंग फोटोग्राफी, तो एक डिजायरेबल FPS है वो 7 FPS है, अगर आप प्रोफेशनल हो तो ये भी कम पड़ेगा। वहीं एक स्टेप अगर आगे बढ़ते हैं जिसमें आप थोड़ा सा पॉकेट में बम करते हैं तो आपको कैनन का Z50 मिल जाता है एंड कैनन का D7500 मिल जाता है। ये दोनों कैमरा बहुत अच्छा है निकॉन के तरफ से अंडर 1 लाख में। तो गाइस यहां पर बात करें तो FPS की बात करें तो 11 FPS दोनों कैमरा में देखने को मिल जाता है। वहीं 51,000 आपको ISO देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये अच्छा कैमरा हो जाता है फोटोग्राफी पर्पस। एंड देन गाइस वही एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो न्यूली रिसेंट लॉन्च कैमरा है कैनन की तरफ से R50, जो कि इसमें आपको FPS थोड़ा सा बाकी सब कैमरा जितना बताया अभी उस कैमरे से ज्यादा FPS देखने को मिलता है, 15 FPS, लेकिन बफर साइज यहां पर कम हो जाता है जो अभी बताने वाला हूं उस कैमरे से। एंड गाइस इसमें लो लाइट परफॉर्मेंस 32,000 मिल जाता है, लो लाइट परफॉर्मेंस में अच्छा वर्क करता है। एंड देन गाइस वही बात करें वेदर शील्ड, तो यहाँ पर फ्लैश प्रूफ है, यहाँ वेदर शील्डिंग नहीं बोल सकते इसको। बात करते हैं एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो सोनी का कैमरा आ जाता है 6400 अल्फा 6400, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कैमरा हो जाता है सोनी की तरफ से, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं वेडिंग फोटोग्राफी पर्पस से, बिकॉज इसमें 11 FPS का कंटिन्यू शूटिंग मिल जाता है, ब्रस्ट मोड मिल जाता है, ISO आपको 32,000 मिल जाता है। एंड गाइस वेदर शीलिंग के साथ आता है ये, एंड 24 MP का ये कैमरा है। वही बात करें एक स्टेप इससे भी आगे बढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है कैनन का R10, जिसमें 24 MP प्लस इसमें सबसे ज्यादा आपको FPS मिल जाता है 23 FPS। एंड मैकेनिकल में बात करें, मैकेनिकल शटर स्पीड में बात करें तो इसमें आपको 15 FPS देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड में बात करें इसमें FPS आपको 23 FPS मिल जाता है। अभी तक जितना कैमरा बात किया उन सबसे ज्यादा FPS इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, बफर साइज ज्यादा देखने को मिलता है। ISO की बात करें तो 32,000 ISO मिल जाता है, वेदर शील्डिंग यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन एडिशनल फीचर मिल जाता है आपको, एक AI फीचर मिल जाता है इसमें, एंड ISO R50 में भी AI फीचर देखने को मिलता है। एंड गाइस शटर स्पीड की बात करूं, यहाँ पर हर कैमरा में यहाँ पर 1/4000 शटर स्पीड है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के शटर स्पीड है जो कि है 16,000 का शटर स्पीड मिल जाता है, 1/16,000 का शटर स्पीड। तो ये बेस्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा हो सकता है फोटोग्राफी। एंड देन वही एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जिसमें मेगा पिक्सल मैटर रखता है वेडिंग फोटोग्राफी में, जिसमें प्रिंटर आप प्रिंट कर सकते हैं हाई क्वालिटी में, रेजोल्यूशन अच्छा मिलना चाहिए, तो आपके लिए है कैनन का 90D। तो ये कैमरा आपको 11 FPS के साथ आता है, वही ISO 25,000 के साथ आता है, एंड गाइस 32 MP का बड़ा सेंसर देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है एंड इक्विवेलेंट है फुल फ्रेम कैमरा से। देन गाइस बात करें नेक्स्ट, जिसमें आपको सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा मिलेगा, वो है फुल फ्रेम कैमरा जो है कैनन का RP, कैनन का RP कैमरा जिसमें फुल फ्रेम कैमरा मिलता है, जिसमें आपको सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा मिलेगा। एंड गाइस इसमें आपको ISO 40,000 मिल रहा है, जिसमें आपको लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइस अगर मैं यहां पर बात करूं कैंडिडेट फोटोग्राफी के लिए RP वन ऑफ द बेस्ट कैमरा हो सकता है आपके लिए। ओवरऑल गाइस अगर मैं बात करूं तो बेस्ट कैमरा कैनन R10 एंड कैनन RP हो सकता है आपके लिए, एंड मेरा ओपिनियन यही भी है कि आप कैनन RP खरीद सकते हैं एंड कैनन R10 भी खरीद सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।